धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने शून्यकाल में हमें बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 730 सी निकलता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे को सहारनपुर के पास जलालाबाद में क्रॉस करता है और दक्षिण की तरफ NH-92 से मिलता है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को इटावा के पास बसेर में क्रॉस करता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस मिलता है। अतः माननीय जी से आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट एक्सप्रेसवे को यहीं से एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH-730C को जोड़ता है, जिसकी लंबाई मात्र 100 किलोमीटर है। यदि NH-730C को 100 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे में विकसित कर दिया जाए तो यह अति पिछड़े क्षेत्र के किसानों व्यापारियों को अभूतपूर्व फायदा होगा। ही साथ साथ हरिद्वार, उत्तराखंड, मेरठ, पंजाब, हरियाणा से आने वाले कई तीर्थयात्रियों को भी चित्रकूट, खजुरा आदि जाने के लिए एक छोटा सुगम मार्ग भी उपलब्ध होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में आलू, मक्का, मूंगफली, लहसुन उत्पादन करने वाले किसानों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक अपने उत्पादों को आसानी से पहुंचाने और बेचने में आसानी होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा कंपेल बाबा नीब करोड़ी धाम का पर्यटन की दृष्टि से भी विकास होगा। अतः माननीय आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री से पुनः मेरा निवेदन है कि 730C को एक लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित कर दिया जाए, जिससे हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।